हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर, गणित का डर खत्म। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले नंबर सिस्टम के आगे का जो इम्पोर्टेंट टाइप है इसके बारे में। यहां जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है वो आपके वर्गमूल और घनमूल के कॉन्सेप्ट की होगी। तो एक बार हम लोग वर्गमूल कैसे पता करते थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सारे क्वेश्चन इसमें वर्गमूल के ही है, तो थोड़ा उसको पढ़ते हैं। वर्गमूल में सबसे पहले आपको अंतिम से दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है। कितने का? दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है। बना सकते हो आराम से। अब यहां पर सबसे पहले ऐसी वैल्यू सोचिए जो दो बार गुणा करने पर 20 या उससे कम आती है। तो 5 × 25 तो ज्यादा हो जाता है, 4 × 4 = 16। ओके, 16 आ गया, तो यहां भाग गया था 4 बार। शेष कितना बचा? 4, और ये हो गया 25। अब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो कितने हो गए? 8। अब एक ऐसी वैल्यू यहां इन दोनों जगह पर रखो जिसको गुणा करने पर 425 या उससे कम आता, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर या उससे कम। तो हम रखेंगे 5। जैसे ही मैं 5 रखूंगा तो देखो 5 × 25 2 = 40 और 2 = 42, तो शेषफल बचा 0। तो यहां से आ गया 4 और यहां से आ जाएगा 5, तो रिजल्ट बना 45। यानी किसका रूट होता है? 45 का। क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी छोटी संख्या 70 80 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनती है। तो जोड़ेंगे वही जो कम पड़ता है। तो पहले पता करते हैं कम कितना पड़ रहा है। ये वैल्यू अपने पास देखो, सबसे पहले 4 रखा, 4 × 4 = 16, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 180, तो आ गया 8। अब अपने पास अगर 2 रखते हो तो आपको पता है जोड़ने की कंडीशन नहीं बनती, घटाने की बनती है। अगर आप 2 रख दोगे ना, 2 × 4 = 164 आता, तो आपको हो गया एक्स्ट्रा वाला घटा लो। लेकिन अगर मैं यहां 3 रखता हूं, 3 × 3 = 9, 8 + 24, तो इसको ये होने में कमी कितने की है? 9 की, 14 में से 8 6 की, 69 की कमी है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जोड़ा वही जाता है जो कम पड़ता है, घटाया वही जाता है जो एक्स्ट्रा होता है। ओके, तो कितना कम पड़ रहा है? आप कहोगे 2 से भी तो गुणा कर सकते थे, 2 से करेंगे तो फिर घटाना पड़ेगा, जबकि यहां कंडीशन कौन सी है? जोड़ने की। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करो जो जिसका घन स्वयं के बराबर है। जैसे -1 का घन करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं ना, तो -1 ही आता है। लेकिन 2 का क्यूब 8 नहीं आता, 0 का। और सबसे छोटा पूर्णांक बोला तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 1 का क्यूब, ये भी 1 ही आता। अब आंसर तो ये दोनों, लेकिन यहां बोला सबसे छोटा पूर्णांक, और छोटा पूर्णांक में 1 की तुलना में -1 वैल्यू ज्यादा छोटी होगी। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त अंक 1457 है। 153 के स्क्वायर में से किसी संख्या के घन को घटाया जाता है, ठीक है। हमें नहीं पता वो संख्या क्या थी, ठीक है, उसके क्यूब को घटाया जाता है तो 1457 मिलता है। तो 153 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बताइए? 153 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 23409। इसको मैं उधर भेज दूं, के क्यूब, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी 1457। क्लियर है? और जैसे ही प्लस का 1457 इसमें से घटेगा, रिजल्ट आएगा 21952। और के का क्यूब है, क्यूब बटा तो क्यूब रूट लगा। अब बताओ कौन से नंबर का 3 बार गुणा करने पर 2 आ सकता है? 6 में तो 6 आता है, 4 × 16 = 64 में 4 आता है, 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 32। इन दोनों में से कोई वैल्यू बनेगी, और यहां से रिजल्ट निकालोगे तो आ जाएगा के का मान 28 का 3 बार गुणा करते हैं ना, ये रिजल्ट मिलता है। और वैसे आप बताओ मैंने 28 ही क्यों सोचा, 18 क्यों नहीं सोचा? आप मुझे बताओ, 20 का तो क्यूब याद रहता हमें, 20 का क्यूब होता है 8000। ये वैल्यू भैया 8000 से भी ऊपर है, तो यहां पर भी 2 आता ही कहीं में, यहां पर भी 3 बार गुणा करने पर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट आंसर ये बचा। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दुगुने से 3 कम है। एक धनात्मक पूर्णांक जो भी था इसका 5 गुना, ठीक है, इसके वर्ग के दुगुने, इसके वर्ग के दुगुने से कितना कम है? वर्ग के दुगुने से इसका जो 5 गुना है वो 3 कम है। तो वो संख्या बतानी है अभी, ये क्वेश्चन है अपना। चलिए कम और अधिक क्या बताते हैं? अंतर। तो 2k² - 5k - 3। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 5 बनता हो, तो 2k² - 3k - 2k, और प्लस का 2k, माइनस का कर दीजिए,
माइनस टू के माइनस थ्री बराबर जीरो हो गया। ओके, तीन इंटू दो छह और तीन और दो कितने हो गए पांच, लेकिन ये माइनस की वैल्यू बन रही है यहां पर, तो ये तो बनेगा नहीं, फिर छह वाले ये बनेगा, छह एकम छह प्लस का की माइनस थ्री। अब बताओ क्यों, गुणा करने पर तो छह आ रहा है, इसमें से ये घटाऊंगा तो माइनस का पांच, तो टू के कॉमन आ गया तो के माइनस थ्री, प्लस वन कॉमन आ गया तो के माइनस थ्री, तो दो गुणनखंड बने के माइनस थ्री और टू के प्लस वन। आपको पता है प्लस वाला हमेशा जीरो के सामने रखते ही नेगेटिव उत्तर देगा, तो के माइनस थ्री पॉजिटिव देगा, के माइनस थ्री जीरो है तो के का मान थ्री होगा, और के का मान थ्री आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को, यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 21, 36 और 66 से विभाज्य हो। तो आप एक काम करो, 21, 36 और 66 का एलसीएम लीजिए, दो से भाग या 21, 18, 33, दो से भाग 21, 9, 33, तीन से भाग 7, 3, 11, फिर तीन से भाग 7, 1, 11, फिर 7 से भाग और लास्ट में 11 से भाग। अब आप ध्यान दीजिएगा, दो इंटू दो, तीन इंटू तीन, सात इंटू ग्यारह। अब देखो क्या होनी चाहिए, वो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इनका गुणा करोगे ना, पूर्ण वर्ग बढ़ ही नहीं सकता, पूर्ण वर्ग में दो बार गुणा होता है। अब ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। अब आपके सामने जब ऐसा प्रश्न आए और जब पूर्ण वर्ग नहीं हो तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, कैसे, देखो इसका गुणा सात से करके, इसका गुणा ग्यारह से करके। अगर ये पहले से दो दो का जोड़ा होता ना तो फिर हम कभी गुणा नहीं करते, लेकिन अगर नहीं है तो उनको बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ये गुणा करोगे तो आ जाएगा 21, 34, 44, और ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, ये जोड़ा कंप्लीट था, ये भी कंप्लीट था, ये दोनों कंप्लीट नहीं थे, तो देखो मैंने एक एक बार इन दोनों का क्या कर लिया गुणा। और ये अगर क्यूब का क्वेश्चन होता ना पूर्ण घन का, तो मुझे तीन तीन के जोड़े बनाने पड़ते। इनमें से कौन सी संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी कौन सी संख्या जो दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती। तो यहां से मेरी बात को समझिए, कौन से अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती, एक मिनट, जैसे 81 है, रूट ऑफ 81 है तो ये क्या बनता है 9 का, 49 किसका रूट बनता है 7 का, 121 बोलो 11 का, 144 बोलो 12 का, कौन सी ऐसी संख्या जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 7 लिख सकते हैं, वैसे 4 प्लस 5 भी लिख सकते हो, लेकिन 4 भैया आपके भाज्य संख्या हो जाती। वो कह रहे हैं इनका, इनमें से कौन सी संख्या, याद रखना ये रूट के अंदर है, ये चीज आपको ध्यान, इसका रूट पता करना था, इनमें से कौन सी संख्या वर्गमूल में दो अभाज्य के योग के रूप में नहीं हो सकती, 2 और 5 हो सकती है, और बताइए 3 और 8, इसमें देखिए और कौन सी, 5 और 7 हो सकती है, लेकिन इसको व्यक्त नहीं कर सकते। 11 के क्या क्या टुकड़े बनाओगे, 6 और 5 तो भैया 6 भाज्य है, आप कहोगे 3 और 8 तो भैया 8 भाज्य है, आप कहोगे और वैल्यू बताइए सोच के, 6 हो गया ये हो गया और बताओ, 9 और 2 9 भी भाज्य हो जाती है। तो इस प्रकार से इस 121 को हम कभी भी दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुणे से संख्या के 4 गुणे को घटाने पर, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुणे से, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुणे से 4 गुणे को घटाने पर प्राप्त संख्या से 50 अधिक है, यही क्वेश्चन है अपना, 3 गुणे में से ये घटाने पर कितना अधिक है, 50 अधिक है। संख्या के 4 गुण प्राप्त संख्या उस संख्या से, प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक, ये जो मिल रहा है ना ये उस संख्या से क्या है, 50 अधिक है। चलो ठीक है भाई, तो
देखो ये आ गया 3k² - 3k, बताओ क्यों? अरे भैया प्लस का के इधर आके माइनस का 50, तो ये कितना हो गया 150 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 3 का बनता हो, ये क्वेश्चन बनेगा। 1 मिनट है ना, सॉरी ये माइनस का 5k हो जाएगा, क्यों? प्लस का के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 4 और 1 5k। अब ऐसे टुकड़े तो 3k² - 15k - 10k - 50, ये गुणनखंड करना पड़ेगा हमें, तो 3k कॉमन आ गया तो बचा k-5, यहां से 10 कॉमन आ गया तो यहां भी बचा k-5 = 0। ओके ये बड़ी, अच्छा ये प्लस का बनेगा, ये प्लस है ना, तो प्लस का। अब यहां से वैल्यू बनी 3k + 10 और एक वैल्यू बनी k-5, तो आपको पता है ये तो प्लस का है उतर जाती नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इसको जैसे ही मैं 0 के बराबर रखूंगा तो k का मान आ जाएगा 5। k का मतलब वो संख्या है, ध्यान रखना, तो रिजल्ट हो जाएगा, वो संख्या ज्ञात करनी है तो हो जाएगी 5। ओके आगे बढ़ते हैं, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो आप देखिए इनमें से ये एक पूर्ण वर्ग होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 45 का, 98, 0, 1, 12, 50। अगर आप नोटिस करेंगे जो 1250 है ना, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता, बाकी सारी वैल्यू पूर्ण वर्ग बन जाएगी, परफेक्टली आप चेक कर सकते हो। ओके ये पॉइंटों में चली जाएगी वैल्यू, क्योंकि जो 20-25 होता है ना, इसका रूट निकालोगे ना तो आ जाएगा 45। 16641 का अगर रूट निकालोगे ना, 16 से 4 बना फिर 6 आ गया, तो ये बन जाएगा अपना, किसका बन जाएगा, 129 का स्क्वायर। और लास्ट में अपने पास अगर 98, 0, 1 है तो ये किसका बन जाएगा, देखिए ये 99 का स्क्वायर, इस प्रकार। लेकिन 1250 किसी का रूट नहीं होता। कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं हो सकती? जैसे 41 है तो कौन सी संख्या दो संख्याओं के वर्गों का योग नहीं हो सकती? चलो मैं एक बात बता, ये तो हो सकती है 9 और 4, क्यों बताओ, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ने पर 13 बनता है। पहले जो हो सकती है वो पता कर लो। चलो 23 में देखिए कौन कौन सी हो सकती है, सोच के देखिए, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो सकती है, 25 और 16 41, हो सकती नहीं हो सकती बताओ, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, एक तरह से मैं बोलूं 25 और 16 जोड़ने पर 41, ये हो गया 9 और 4, और 37 में बोलो 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36, ये हो गया 1 जोड़ने पर 37, पर ये कभी भी नहीं हो सकते किसी को भी वर्ग को जोड़ने पर, आप चेक कर सकते हो। पर अब जब वर्ग को जोड़ो ना तो 4 से ऊपर मत जाना, 4 के वर्ग से, क्यों? 5 के वर्ग जब भी लोगे ना तो 25 बन जाएगा, हमारी वैल्यू जब 23 है तो 25 तक सोचने का कोई मतलब नहीं। तो 1 और 2 को जोड़ के देख लो, 2 और 3 को जोड़ के देख लो, 4 और 2 को जोड़ के देख लो, तो यहां पर ये वैल्यू बढ़नी चाहिए जो बढ़ती नहीं है। कौन सा पूर्ण वर्ग है इसमें से? तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था 98, 0, 1, और इसको सीखना चाहते हो कैसे बना, तो थोड़ी देर पहले पद्धति मैंने सिखाई थी। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे बताइए, 9 * 9 = 81, यही होगा, 9 का ही भाग जा रहा, सबसे पहले 2 का जोड़ा बन गया, फिर ये बनेगा 98, 0, 1 है ना, 99 का 9 का भाग चला गया अपने पास, ओके 9 * 9, क्योंकि 9 * 9 = 81 होगा, 10 * 10 = 100 हो जाता, ज्यादा हो जाएगा, तो पीछे कितने बचे, पीछे बच गए यहां से 7, यहां बच गया 1, 1701, 9 और 9 कितने हो गए 18। अब यहां किससे गुणा करोगे बताओ, 9 से ट्राई करके देख लो, 9 * 9 = 81, 72 और 8 = 8, और ये 17, तो लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 99। ठीक है, ये एकमात्र परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बाकी कोई बन ही नहीं सकते। और वैसे आप ध्यान रखो, जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होते हैं ना, वो कभी पूर्ण वर्ग बन ही नहीं सकते। जिनका इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 या 8 हो, तो कभी भी पूर्ण वर्ग का निर्माण नहीं कर सकते। ये इसे पहले वाले टाइम में भी सिखा रखा है। किसी संख्या के वर्ग में अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक, तो बताओ 9 का वर्ग कितना होता है, 81, अंतिम अंक 1 बनाना, तो इसका क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729, तो इकाई अंक क्या बना ये।
तो केवल 9 होगा, एक आध और ट्राई करके देख लो, बताओ। एक और संख्या में 11 लेता हूं, 11 का स्क्वायर बोलो कितना होगा, बोलो 121, और 11 का क्यूब बोलो 1331। तो आपने नोटिस किया यहाँ एक वर्ग में भी कई अंक एक था, यहां भी, लेकिन इसका जब क्यूब किया तो 9 आया, इसका जब क्यूब किया तो 1 आया। तो यहां से या तो 1 बनेगा या फिर 9 बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग और अंतर 25 और 3 है तो वर्गों का अंतर, मैंने कल भी सिखाया था, योग 25 है और अंतर 3 है, तो बड़ी संख्या कैसे लाओगे बताओ, जोड़कर 2 का भाग, 28 बटा 2 यानी 14। छोटी कैसे लाओगे, घटाकर 2 का भाग, 22 बटा 2 यानी 11। तो वर्गों का अंतर 14 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121, 75 आपका राइट आंसर बन जाएगा, बी इज द परफेक्ट आंसर। ओके चलिए, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, तो 100 200 के बीच देखो 121, 144, 169, 196, इतना ही है अभी, कितने नंबर्स हो गए टोटल, टोटल नंबर हो गए 4 हो गए जो 100 और 200 के बीच है। क्लियर इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 4042 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ा वही जाता है जो कम पड़ता है, बस ये चीज सीख लो आप, और घटाया वही जाता है जो एक्स्ट्रा होता है। तो 6 × 6 = 36, कितने बचे 4 = 442, अब आ गया 6 और 6 = 12, तो 12 × 4 = 12 × 3 = 36, तो कम होता है, अब 4 बड़ा सोचो, 12 × 4 = 16, 1 8 और 1 9 और 4, 442 को 496 होने में कमी कितने की, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 4 गए 5, 54 की, यानी बी आपका राइट आंसर बन जाएगा 54। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, 75, 92 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए जो कोई शेष नहीं बचे और एक भागफल एक पूर्ण घन हो, तो भागफल का घनमूल ज्ञात करो। चलिए भी 13, 75, 92 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन होना चाहिए, जब मैं इसका भाग दू ना तो वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तो उसका घनमूल आप लोगों को पता करके बताना है। क्लियर इट? चलिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस चीज को आप समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे 12, 75, 92। जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो आपके गुणनखंड क्या बनेंगे वो मैं थोड़ा बता देता हूं, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, उसके बाद 7 × 7 × 13। अब देखो पूर्ण घन बनना चाहिए तो यहां देखिए किसकी वैल्यू बन जाती है, इसको भी समझना पड़ेगा, इस 13 × 13 को भी समझना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 × 7 करो तो 169 × 7, ओके, तो यहां आ रहा 7 × 7 × 13, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास। तो जब आप क्या करोगे, अगर इस वैल्यू का भाग दोगे ना तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन आएगा 216, और 216 किसका हो जाता है 6 का। मुझे बताओ ये घन का फॉर्मेट बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो इससे मैं भाग दे दूंगा, और जैसे मैं इससे भाग दूंगा ये तो कट जाएगा, ये किसका क्यूब 2 का, ये किसका क्यूब 3 का, 3 × 2 = 6, तो 6 अपना आंसर बन जाएगा जो डी ऑप्शन। वैसे इसका गुणा करके देख लेना 216 आएगा, और 216 क्यूब रूट किसका होता है 6 का। ओके गुणनखंड करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो 36 का वर्गमूल बोलो भी 6, तो आप बताओ 36 अपने वर्गमूल 6 से कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो वो संख्या कौन सी। अरे भैया ये तो खुद ही 16 है तो 30 अधिक कैसे होगी, ये कैसे होगी, 49 का 7 होता है तो 42 अधिक होती, तो रिजल्ट बना 36। आगे देखिए,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 15 और 14 के वर्गों में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो सके। 15 और 14 के वर्गों के योग में वर्ग 225, 196 इसमें जोड़ी। पहले ये खुद कितने होते हैं, 6, 5, 11, 1, 11 और 1, 12, फिर 1, 3 और 1, 421। अब 421 में मैं कितना जोड़ूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? आपको पता 421 के बाद वर्ग आता 441, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 20। और जैसे 20 जोड़ोगे तो ये 21 का स्क्वायर बन जाता। सीधा सरल क्वेश्चन था ये। 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, वो कह रहे इन दोनों को जोड़े तो उसके बाद और हम इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ा तो 421 आया, तो भैया अब हमें 421 के आगे सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जोड़ना है, घटाना होता ना तो हम इसके पीछे सोचते। कितना जोड़ेंगे, 421 को 441 होने में कमी 20 की है, तो मैंने 20 जोड़ दिया। 1 से 9 तक की संख्याओं में वर्गों की योगफल की गणना कीजिए। तो वर्गों का जो योग होता है मैंने पहले ही लिखा रखा, आप लिख लीजिएगा कॉपी में, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6, ये वर्गों का योग होता है। और घनों का पूछ ले आपसे, एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बटे में 4। एन का मतलब समझे जितनी संख्याएं हैं। 9 तक के वर्गों का योगफल 9, 9 और 1 10, 9 दूनी 18 एक 19 बटे में 6। 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 5 बार, 19 5 95 इंटू 3 15 27 28 285, और 285 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। आप 9 क्यों, अगर आपसे 900 तक भी पूछे ना तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करनी है, क्या होता वापस बताओ, n इंटू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है भी याद करना पड़ेगा, 2n प्लस वन अपॉन 6। और भी अगर छोटी वैल्यू होती है और फॉर्मूला याद नहीं आता तो फिर वर्ग लिख कर जोड़ने पड़ेंगे। अरे भैया चलो ये तो 10 ही है, कल को 100 आ गए तो फिर कैसे लिखोगे, इसलिए फॉर्मूला होना जरूरी है। 10 10 प्लस 1 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटे में 6, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 3 से 7 बार, 77 × 5 होता है 385, और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो 256 के गुणनखंड तो करो, आप बताइए इसके गुणनखंड कर सकते हो आप लोग, तो आप बताइए 256 के मतलब 256 किस किस से भाग जाता है, 1 से जाता है, 4 से जाता है, और बोलो 8 3 24, 8 से जाता है, और बोलो 16 एकम 16, 9 16 × 6 96 जाता है, और बोलिए किससे, 64 से भाग जाता है, और 256 से जाता है। यही गुणनखंड होते हैं, इसके टुकड़े होते हैं, ये पूर्ण वर्ग है नहीं कि, अच्छा ये 1 का वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग, ये है नहीं वर्ग, 64 है, 256 है। 256 किसी का वर्ग होता है अभी, 256, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो कितने ऐसे गुणनखंड होंगे बताइए टोटल, तो अपने हो जाएंगे देखो 1 2 3 4, और गुणनखंड तो ये भी था लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसे कितने गुणनखंड हो जाएंगे टोटल, 5 गुणनखंड है, जो क्या है गुणनखंड के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी है। गुणनखंड का मतलब वह नंबर जो जिसके द्वारा ये पूरा पूरा विभाजित होता है। 78 64 में किस संख्या का योग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, योग उसी का करते हैं जो कम पड़ती है, जोड़ा बनाया 8 8 64 9 9 81 ज्यादा हो जाता 8 बार, 8 8 64, पीछे बचा यहां से 4, यहां से 1, 16 64, ये कितना हो गया 16। अब वैल्यू सोच के देखिए, 9 से फिर उसके बाद वैल्यू बताइए, 8 और 8 16, 9 और 9 81 ज्यादा हो जाता है 6 और 8 14 1464, कितनी वैल्यू रख सकते हैं बताइए। अगर हम यहाँ 5 रख के 9 रख के देखें तो 9 × 9 81 8, 9 6 54 और 8 62, 6 9 6 15, बिल्कुल। तो बताइए 1464 को 1521 होने में कमी, 11 में से 4 गए तो 7, और 11 में से 6 गए 5, 57 की, तो 57 अपना राइट आंसर बन जाएगा जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके आगे बढ़ते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो संख्या का वर्गमूल क्या होगा,
4050 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है तो वो क्या होगी? तो इसके टुकड़े कर लो ना अभी, 2 से देखो 2028, 2 से देखो 1024, 2 से देखो 5, 2 एकम 2, 512, 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, 2 से 16, ऐसे चलता रहेगा ये। तो पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, 4050 को गुणा करना है ना 4050 को, तो हम क्या करेंगे, या तो यूं कर लो, लास्ट में वैल्यू का पता चल जाएगा तब भी आप समझ सकते हो। 4050 का ऐसे जब टुकड़े करोगे ना, लास्ट में जैसे ही 2 से गुणा करोगे ना, ये 2 कम पड़ेगा वर्ग होने में, वो जाएगा 8100। तो हमें क्या बोला, इसका वर्गमूल पता करो, तो 8100 का वर्गमूल हो जाएगा 90। और ये 2 कहां से है पता, अभी जो मैंने टुकड़े किए थे ना, वैसे वहां पर सब जोड़े 2-2 के बन जाएंगे, पर लास्ट में एक जोड़ा ऐसा होगा जो सिर्फ अकेला होगा, तो उसको पूरा करने के लिए हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? 3 आ गए तो ये है नहीं, 9 आ गए 2 अंकों पर है तो ये संभव है, 81 आ गया इसके पूर्ण वर्ग होने चाहिए, 81 बताइए किसी का एक अंक पर है नहीं, तो आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा बन जाएगा? ओनली ए, क्योंकि देखो 0. रूट के बाद 2 अंकों पर पॉइंट है ना, तो रिजल्ट में 3 तो आया लेकिन एक अंक पर पॉइंट 0.3, इसलिए ये उत्तर होगा। इसमें एक पर पॉइंट है तो फिर आएगा कैसे, रूट बनेगा या 3 पर आ गया, अगर 2 पर आता या 4 पर आता ना तो पूर्ण वर्ग बन सकता था। इसका रूट का पता करना है, सिंपल सी एक बात सुनना, जब ऐसी ये सीरीज चले, √30 + √30 + √30, ये अनंत तक ऐसे चल रही है ना, तो इसके ऐसे 2 टुकड़े करो लगातार, 2 नंबर जिनका अंतर 1 होता, वापस सुनना, ऐसे 2 टुकड़े लगातार 2 टुकड़े जिनका अंतर 1 का होता हो, अगर ये सीरीज प्लस की चल रही है तो हमेशा बड़ी वैल्यू आंसर होती है, अगर ये सीरीज माइनस के चल रही है तो रिजल्ट हमेशा छोटी वैल्यू होती है, अगर ये माइनस की होती तो 5 आंसर बनता, अभी आंसर 6 होगा। इसका बेसिक लॉजिक भी बता देता हूं, अगर आप समझना चाहो भी ये होता क्यों है ऐसा, जब आप ऐसे ये टुकड़े करते हो ना, ये अनंत है, तो मैंने इसको के एग्जाम्पल, अब मैं इसको समझा रहा है ना, बाकी हमें एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है, ऐसे 2 टुकड़े जिनको लगातार गुणा करने पर अंतर 1 का हो और गुणा करते ही 30 आ जाए, तो प्लस हो तो बड़ी वैल्यू उत्तर होती है और माइनस हो तो छोटी वैल्यू। अब क्यों होती है वो रीजन मैं यहां समझा रहा हूं। इसको के बराबर रखा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, ठीक है, तो ये स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कट जाता है, स्क्वायर का मतलब, और ये इसका मतलब 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाता है, 30 प्लस √30 √30 ऐसे चलता रहता बराबर में के स्क्वायर, और आप बताओ इस वैल्यू को हमने सिर्फ के रखा था, 30 + k = k² ये उधर जाएगा, k² - k - 30, अब इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, तो प्लस का 6k -5k - 30, तो यह वैल्यू क्या बनेगी, k को कॉमन लिया k + 6, -5 को कॉमन लिया k + 6, ओके, अब रिजल्ट आ रहा। अच्छा सॉरी, ये माइनस में रख देना, ये प्लस में, ये माइनस का 6, ये प्लस में, तभी तो उत्तर माइनस में आ पाएगा, तो यहां आ जाएगा k -6 और यहां भी आ जाएगा प्लस का 5 कॉमन लिया तो k -6, तो 2 गुणनखंड बनेंगे k -6 और k +5, तो प्लस वाला तो नेगेटिव उत्तर देगा, माइनस वाला 0 बराबर रखोगे तो k का मान आ गया 6। अब मुझे बताओ इतना कुछ करना जरूरी नहीं, समझ रहे हो, इसके लिए ही मैंने ये समाधान बताया है, डायरेक्ट ये ट्रिक बता दी आपको, इसको फॉलो करना है, ओके। चलिए तो ये बातें थी इस टाइप में, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, अब बढ़ेंगे आगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, थैंक यू।